नमस्कार। पहले तो मेरा नाम पुरुष दिबू है, सब लोग मुझे डॉक्टर रुस्तम पावरी से पहचानते हैं, बट माय नेम इज़ पुरुष दिबू। आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर एंड आई एम वेरी लकी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म। लावास्ते एक यूनिक फिल्म है, आउट ऑफ बॉक्स फिल्म है। हम चाहते हैं मीडिया के थ्रू से पूरी जनता को, पूरे ऑडियंस को, जितने भी अलग अलग क्लास है हमारे जो ऑडियंस में, सभी को ये फिल्म पसंद आएगी। इट्स अ सोशल मैसेज ओरिएंटेड फिल्म बट थ्रू एंटरटेनमेंट, मतलब जो भी मैसेज है थ्रू एंटरटेनमेंट है। आई एम परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट इन दिस फिल्म। मेरे सीन्स सभी कास्ट के साथ है, मनोज जोशी जी, ओमकार जी, सबके साथ है। एंड उम्मीद करते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे कामयाब हो, क्योंकि ऐसी अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। इतनी मेहनत करके एक फिल्म हमने ये बनाई है, बेस्ड ऑन द रियल इवेंट्स, जो एक हकीकत है, और वो हकीकत हम एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपको एक सोशल मैसेज दे रहे हैं थ्रू एंटरटेनमेंट। लावास्ते ये फिल्म आपके दिल को छू जाएगी, इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी है, मुझे बहुत पसंद आई है। आज इसका प्रीमियर है तो हम लोग बहुत खुश है कि इतनी मेहनत के बाद हम लोग आज ये प्रीमियर देखेंगे, और इंशाल्लाह कल हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे रिलीज़ हो रही है सारे थिएटर्स में। हम ऊपर वाले से और ऑडियंस से प्रार्थना करेंगे कि ये फिल्म को सबसे जितने हो सके इतने ज़्यादा ऑडियंस देखे और बॉक्स ऑफिस पे कामयाब बनाए, बस यही उम्मीद है और यही हमारा संदेश है। प्लीज़ वॉच लावास्ते इन सिनेमाज, प्लीज़ स्प्रेड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी टू योर सोशल नेटवर्क्स, टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, इन योर सोशल ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस। वो तो आपने बुक माई शो सब जगह आपको पता लग ही जाए, पिक्चर का रिस्पॉन्स अच्छा है, बाकी तो कल ऑडियंस ही बताएगी क्या होता है फ्राइडे को, और उम्मीद तो है कि पिक्चर अच्छे से जाएगी, बाकी तो सारा ऑडियंस के हाथ में, ठीक है। इसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट न्यू है और ये बर्निंग टॉपिक है, और इसमें मेरा रोल बहुत अच्छा है। मैं खड़ूस भी हूँ, एट द सेम टाइम बहुत प्यार वाली भी हूँ। मैं अपनी बहू की तरफदारी भी करती हूँ, अपनी पोतियों को जान से ज़्यादा प्यारी करती हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मेरा रोल इसमें बहुत अच्छा है, थैंक यू। क्या क्या टॉपिकल फिल्म है इसमें, मतलब जैसे बच्चे फॉरेन कंट्री में रहते हैं, उनके माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं होता है, तो ये बड़ी ज्वलंत समस्या है, इसके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, और बहुत अच्छे कैरेक्टर थे इसमें, सब ने बहुत अच्छा काम किया। आपको लगा था कि कुछ ऐसे इसी सब्जेक्ट पे भी आप इस मूवी में काम कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, ऐसे ज्वलंत टॉपिक होने के लिए हॉट प्रोवोकिंग है, थैंक यू। बस यही सब्जेक्ट देखकर ही मैंने इसको साइन किया था, बहुत अच्छा लगा था, और तभी हम लोग कोरोना से गुजरे थे तो ये एकदम दिल को छू लेने वाली बात थी, तो मैंने हाँ कर दी। और फिर जिस तरह से, और सारे एक्टर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग हुई है सबकी, हमने देखी है तो मज़ा आ गया करते हुए। जी जी मैं चाहूँगी कि पूरा हिंदुस्तान इस फिल्म को देखे, सराहे, क्योंकि बहुत दिल को छू लेने वाली कहानी है, अलग सब्जेक्ट है, सबने बहुत अच्छा काम किया है, मेहनत की है, तो हो जाना चाहिए। मैं इस फिल्म में आपका कैरेक्टर एक मदर हूँ जो अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है, लेकिन ये जो हीरो है अपना, वो मेरे पास आता है, कुछ दिन रहता है, फिर वो भी चला जाता है, और मेरा वही है कि लोग कहते तो है आ जाऊंगा लेकिन आते नहीं है। जी,
थैंक यू वेरी मच। हमारे एक सोशल इशू पर ही हमने ये फिल्म बनाई, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये हमारे समाज की कहानी है। सो इट्स अ फिल्म दैट इज़ अ स्मॉल फिल्म बट इट्स गॉट अ बिग मैसेज, तो मैं चाहूँगा कि लोग इसे ज़्यादातर देखें और इन्जॉय करें। जी आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही सर। जी जी यही सोच के, बिकॉज ये जब मेरे पास ये कहानी आई थी तो मैंने पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया था कि ये फिल्म ऐसी कहानी अभी तक बनी नहीं है, लोगों ने देखी नहीं, ना कोई किताब ऐसी लिखी गई है, ना ये सब्जेक्ट पे कोई फिल्म बनी है, तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए और इम्पॉर्टेंट है ऑडियंस का इस इशू के प्रति जागरूक होना, तो इसलिए मुझे लगा कि ये कहानी कहना ज़रूरी है, भले ही वो किसी भी तरीके से हो, वो फिल्म के तरीके से हो या तो हाँ क्या लगता है आपको महाकाल के अंदर जी जी पिक्चर के अंदर कैसे दर्शाएगा, क्योंकि ये हमने जी जी मेरे ख्याल से कोरोना के वक्त के दौरान हमें इस बात का जो इस फिल्म में हम कहने की कोशिश कर रहे हैं उस बात का एहसास और ज़्यादा हो गया, अपने कौन है पराए कौन है उस बात की परख हो गई, और मेरे ख्याल से वो वक्त ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया। लेकिन हमारी फिल्म सिर्फ कोरोना के दौर के वक्त के बारे में नहीं है, हमारी फिल्म उस हर इंसान के बारे में है जिसे अपना अंतिम संस्कार करने का पूरा हक है। जी कोई नहीं होगा जी जैसे जी 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 क्या दर्शाया जी। इस फिल्म में हमने बहुत सारी ऐसी सच्ची घटनाओं से, सच्चे लोगों से जो ऐसा काम करते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो सोशल वर्क करते हैं, उनसे इंस्पायर होके और उनको ही ये फिल्म हम डेडिकेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग जो ये काम करते हैं, ये कोई फ्रंट लाइन वर्कर या हमारे देश के सोल्जर से कम नहीं है, जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं या जिस तरह बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं हमारे देश के, तो मुझे लगता है इन्हें उतना क्रेडिट और इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये दर्शकों के बीच में क्या मैसेज लेके जाएंगे? मुझे लगता है कि हर नौजवान को, हर युवा पीढ़ी जो अपने माता पिता से दूर रहते हैं, जो वक्त नहीं निकाल पाते उनसे मिलने का, मुझे लगता है जब ये फिल्म देख के निकलेंगे तो एक सोच के साथ रहेंगे, और अगर आप अपने माता पिता को ये फिल्म दिखाने ज़रूर ले जाएंगे और आप उन्हें उनकी वैल्यू आपको और ज़्यादा हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आप लोग एंजॉय करिएगा फिल्म। देखिए मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर बहुत अच्छा है पिक्चर का, और जो ट्रेलर देख के जो एक्साइटमेंट थी वो आज मुझे यहाँ खींच के ले गया। मैं ये टीम को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा और ऑल दी बेस्ट भी कहूँगा, क्योंकि टीम के प्रोड्यूसर सब दोस्त ही यहाँ पर, और मुझे ये उम्मीद है फिल्म बहुत अच्छी बनेगी, और मैं ऑडियंस को भी ये चाहूँगा कि इस टाइप की फिल्म देखिए और इस फिल्म को आगे और बढ़ोतरी दीजिए। मैंने भी ट्रेलर देखा है और बहुत तारीफ़ है फिल्म की, कुछ नया करने की कोशिश की है प्रोड्यूसर ने, तो हम लोग तो चाहेंगे कि ऐसी फिल्में चलेंगी, तो हम लोग भी कुछ ऐसा सिनेमा बनाएंगे फिर। थैंक यू वेरी मच।